पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का धरना सोमवार को भी जारी। राज्यपाल ने मुख्य सचिव और डीजीपी को किया तलब। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के श्रीनाथ त्रिपाठी से फोन पर बात। सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि वो पहले सबूत पेश करे, अगर कमिश्नर दोषी हैं तो उन पर होगी कड़ी कार्रवाई। मामले पर मंगलवार को होगी अगली सुनवाई। पश्चिम बंगाल में सीबीआई की कार्रवाई के विरोध में संसद में हंगामा। पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ करने गए सीबीआई अधिकारियों को किया गया था गिरफ्तार। ममता सरकार के खिलाफ केंद्र सरकार का बड़ा कदम। पुलिस अफसरों पर रिपोर्ट तलब करेगी गृह मंत्रालय। जांच में बाधा पहुंचाने पर मांगी रिपोर्ट। बीजेपी ने ममता पर आरोप लगाते हुए कहा कि क्यों जांच से भाग रही है ममता। सीबीआई के नए निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला ने संभाला कार्यभार। 1983 बैच के आईपीएस हैं शुक्ला। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने उन्हें सीबीआई चीफ बनाने का लिया फैसला। उपेंद्र कुशवाहा पर लाठीचार्ज के विरोध में रालोसपा ने सोमवार को किया बिहार बंद का आह्वान। बिहार महागठबंधन में शामिल तमाम दलों ने बंद का किया समर्थन। मौनी अमावस्या पर महास्नान का पर्व शुरू। सभी 13 अखाड़ों के संतों ने संगम में लगाई डुबकी। इसके अलावा अब तक करीब 2 करोड़ लोगों ने संगम में किया स्नान। लोकपाल के मुद्दे पर अनशन कर रहे अन्ना हजारे का बड़ा ऐलान। कहा, नहीं पूरी हुई मांगे तो लौटा दूंगा पद्म भूषण अवार्ड। शौर्य चक्र से सम्मानित 44 राष्ट्रीय राइफल के जवान औरंगजेब के पिता मोहम्मद हनीफ बीजेपी में शामिल। पिछले साल पीएम मोदी की जम्मू कश्मीर के विजयपुर में हुई रैली के दौरान शहीद हुआ था औरंगजेब। मणिपुर के फिल्म मेकम अरिबाम श्याम शर्मा ने लौटाया पद्मश्री अवार्ड। नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 का विरोध करते हुए किया ये ऐलान। ऑस्ट्रेलिया में आई सदी की सबसे भयानक बाढ़। हजारों लोगों ने छोड़ा अपना घर। कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना। HS न्यूज, जहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।